বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা দুই হাতিকে অবশেষে বাগে আনলো বন দপ্তর। কুনকি হাতির সাহায্যে অবশেষে জঙ্গলে ফিরলো হাতি দুটি। শুক্রবার সকালে কুনকি হাতি নিয়ে এসে দুই হাতিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু করে বন দপ্তর। অবশেষে সন্ধ্যায় সাফল্য পাওয়া যায়। এদিন হাতি দুটিকে উদ্ধার করতে হিমশিম খেতে হয় বন দপ্তরকে। এই বিষয়ে কার্শিয়াং ডিভিশনের ডিএফও হরিকৃষ্ণন পিজে জানান, পুলিশ বিএসএফ সহ সকলের সহযোগিতায় সফলভাবে কাজটি সম্পন্ন হলো। অনুমতি নিয়েই হাতি দুটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয়েছে। হাতিদের স্বাস্থ্য ভালো আছে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন এবং দুই হাতিকে মহানন্দা অভয়ারণ্য নিয়ে যাওয়া হবে। नहीं एक्चुअली आपको पता है लास्ट 3-4 डेज से ये ऑपरेशन चल रहा है। दो हाथी डाबग्राम एरिया से, बैगुनपुर का डाबग्राम एरिया से बांग्लादेश के अंदर घुस गया था। तो हम लोग कोशिश था कि ये इंडिया से जो हाथी गया था उसको वापस लेके आने के लिए पूरा कोशिश किया, लेकिन वो फिर वो उसी रूट में रिटर्न कर रहा था, बिहार बॉर्डर तक चला गया, फिर वापस अगेन चला गया। तो आज हम लोग डिपार्टमेंट से डिसीजन लिया है कि इसको, ये दो हाथी को ट्रायंगुलेस परमिशन लेके ट्रायंगुलेस करके शिफ्ट करना है। तो आज वो ऑपरेशन हुआ था उसके लिए गोनीमारा नेशनल पार्क से जो कुमकी हाथी दो हाथी को लेके आया, और अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, आप लोग भी देखा होगा। तो बहुत सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल मैनर में हम लोग उसको ट्रैंगुलेज किया विदाउट एनी इंजरी टू एनीवन। इतना मल्टीपल डिवीजन का स्टाफ भी इन्वॉल्व था, बैगुनपुर डिवीजन से, दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन से, फिर CCO वाइल्ड लाइफ नॉर्थ और FDBTR बक्सा टाइगर रिजर्व से भी लोग आया, कर्सियोंग डिवीजन से आया, और बहुत सारा जो पास आसपास का जो भी फॉरेस्ट डिवीजन है सभी से लोग आया था, बंगाल सफारी से वेटरनरी डॉक्टर आया था। तो इस टीम का एक जॉइंट सक्सेसफुल ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, वो वेरी सक्सेसफुल रहा, और आज हम लोग इसको लेके महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलीज करने वाला है। पुलिस का भी अच्छा कोऑपरेशन रहा, ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए और ये मॉब को और क्राउड को मैनेज करने के लिए पुलिस भी अच्छा तरीके से कोऑपरेट किया। तो हम लोग BSF भी बहुत हेल्प किया है क्राउड को मैनेज करने के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इस अवसर पर, और मीडिया वालों को भी जो अभी तक ये सब कवर करने के लिए यहाँ रहा उनको भी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद बोल रहा हूँ। नहीं, हेल्थ कंडीशन ठीक ही है, अभी डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है हमारा गोरीमारा से जो वाइल्ड लाइफ में काम करता है, बहुत साल से काम कर रहा है, डॉक्टर्स भी आया है और बंगाल सफारी का डॉक्टर भी है, तो वो लोग तो इन सब चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो उनके सुपरविजन में ही हम लोग पूरा काम किया है, और जो जो प्रिस्क्राइब डोसेस है उसके हिसाब से ट्रायंगुलेटर सब यूज़ किया है, मेडिसिन सब यूज़ किया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हेल्थ कंडीशन भी ठीक ही है, वो अच्छा तरीके से वो महानंदा में हम लोग रिलीज कर पाएगा। नहीं, ये तो बहुत टफ ही था हमारे स्टाफ के लिए, बहुत स्ट्रेनुअस ऑपरेशन था लास्ट 4 डेज के लिए, कोई भी सोया भी नहीं, उतना मतलब टफ ऑपरेशन ही था। पूरा नाइट में भी गार्ड करके रखना पड़ा, सुबह ट्रैक करना पड़ेगा कहाँ मूव कर रहा है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी जा रहा था, फॉरेस्ट एरिया में भी घुस रहा था, आपको पता है यहाँ भी बहुत डिफिकल्टी से हम लोग ट्रैक करके उनको अभी ट्रायंगुलेस किया। टफ ऑपरेशन था, लेकिन सभी डिपार्टमेंट से हमें अच्छा टफ सपोर्ट मिला, DM दार्जिलिंग से, SP दार्जिलिंग से, सभी से, हमारा उत्तर दिनाजपुर SP सर से, सब लोग कोऑपरेट किया है। अभी चोपड़ा में भी चला गया था तो वहाँ से भी पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत कोऑपरेट किया है, तो सभी को हम लोग इस अवसर पर थैंक करना चाहते हैं। बांग्लादेश में पहले मतलब बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन ये रेयरली होता है, नेपाल साइड में तो जाता ही है, उनका रूट है, लेकिन ये तो नॉन फॉरेस्ट एरिया है तो ज़्यादा आता नहीं है इस साइड में, भोजपुर के नीचे विधाननगर एरिया में, लेकिन इस बार ऐसा घुस गया, स्ट्रिंग होता ही है, तो ये तो रेयर इंसिडेंट है, हर बार तो होगा नहीं, तो रेयर इंसिडेंट था, हम लोग उसको टैकल भी किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा, नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ, श्री शांति होंडा।